मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो अभी प्रीवियस क्लास में हमने गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछली दो क्लास में हमने नोट्स देखे थे, अभी और भी नोट्स बाकी हैं पर वो भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं 12.1 स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वन है उसमें क्या बोल रहे हैं, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अब यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, ठीक है? ओके मैम। इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस तो फॉर्म करने हैं बट कैसे, वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स को इन सबको यूज करके एरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब जो प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन डिविजन के साइंस हैं, इन साइंस को यूज करके आपको वेरिएबल्स जो है सॉरी एक्सप्रेशंस जो है वो फॉर्म करने हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। अभी धीरे धीरे करके एक एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं और वैसे ही कुछ थोड़े होमवर्क में भी दूंगी मैं, देखूं तो सही कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, जिसको भी कोई डाउट हो अभी ही क्लियर कर देना, ठीक है? ओके मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अब आप सिंपल है, ये बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना है किसका, z का। ऑफ का मतलब होता है का के ऐसा कुछ भी, कि z का सब्ट्रैक्शन करना है हमको, क्या करना है, z का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। z का सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम y, मतलब y में से z का सब्ट्रैक्शन हमको करना है, ठीक है? कैसे करेंगे, y माइनस z, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ z, z का सब्ट्रैक्शन, तो z का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किस में से, फ्रॉम y, y में से हम z को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बन गया आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट का आंसर इतना ही है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, अब अगर हम चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। वन हाफ ऑफ द सम मतलब वन हाफ, वन हाफ का मतलब क्या होता है, वन हाफ वन अपॉन टू मतलब दो का आधा। ओके, वन हाफ किसी भी एक फुल कॉमोडिटी का हाफ, टू पार्ट्स में टू होल पार्ट्स हैं उसका एक पार्ट, हो गया वन अपॉन टू। यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करना है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, वन हाफ करना है ऑफ द सम, वन हाफ किसका करना है हमको, सम का, किसके सम का, तो नंबर्स x एंड y, मतलब आपको पहले x और y दो नंबर्स हैं उसका सम करना है फिर उसका वन हाफ करना है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो वन हाफ वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई दोनों का सम करना है देन उसका वन हाफ करना है, तो आपका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, वन हाफ एक्स प्लस वाई, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को डाउट है?
आउट है. ओके अब थर्ड करते हैं. द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. एक नंबर है जेड जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय इटसेल्फ, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक नंबर है जेड, उसको जेड के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. जेड को जेड के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जेड कितनी टाइम्स है? टू टाइम्स. टू टाइम. ओके, तो जेड स्क्वायर बन गया आपका एक्सप्रेशन. यस मैम. ओके, यहाँ पे फोर्थ है. वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू. ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाले जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम ही है, बट जिसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको दो नंबर का सम करने के लिए कहा था, यहाँ पे आपको दो नंबर का प्रोडक्ट लाना है और उसका हाफ करने को कहा था, यहाँ पे आपको उसका वन फोर्थ करना है. समझ में आया? यस मैम. चलो अभी इसको करके देखते हैं. वन फोर्थ करना है. किसका करना है? वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट. वन फोर्थ करना है ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वन फोर्थ. अब ये प्रोडक्ट जो बोल रहे हैं ये किसका प्रोडक्ट है? तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू. दो नंबर्स हैं आपके पास पी एंड क्यू जिनका प्रोडक्ट करना है, फिर उसका वन फोर्थ पार्ट. ओके ओके मैम. तो पी एंड क्यू दोनों का प्रोडक्ट और उसका वन फोर्थ पार्ट. आंसर इतना ही है. अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पी क्यू. ठीक है, इसका वन फोर्थ पार्ट. आगे आपका आंसर. यस मैम. अभी अभी किसी को डाउट है? नो मैम. चलो आगे देखते हैं. नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. मतलब यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, बोथ स्क्वायर्ड. इन दोनों को स्क्वायर करना है फिर उसको ऐड करना है, दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है. ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों को स्क्वायर करना है और फिर दोनों को ऐड करना है. समझ में आया? यस मैम. चलो आगे देखते हैं. नंबर फाइव एडेड टू थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन. अब ट्राई करोगे आप लोग इसको? यस मैम. यस मैम. ओके ट्राई करो. नंबर फाइव. यस मैम. नंबर फाइव एडेड टू थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन. चलो ट्राई करो. ट्राई किया? यस मैम. मैम दो मिनट करो. हो गया? यस मैम. यस मैम. चलो बताओ मुझे आंसर किसका निकाला, किसका सही है बताओ.
आंसर बताओ किसने निकाला। चलो सबने कर दिया है ना? यस मैम। ठीक है करिश्मा बताओ। 5 + 3 mm। मानसी आपका बताओ। मैम सेम 5 + 3 mm। ओके दिव्या आपका बताओ। 5 + 3 mm। नहीं सॉरी 5 + 3 mm। ओके चलो ये कैसे निकला भी देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, नंबर 5 एडिट, मतलब नंबर 5 को ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। आसपास की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पे अभी थोड़ा मैरिज जैसा माहौल है तो ये थोड़ा आएगा। ठीक है यस। नंबर 5 एडेड, नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो m और n के प्रोडक्ट का 3 times करना है उसको, उसमें आपको 5 ऐड करना है। m और n का प्रोडक्ट, m और n दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mn, उसका 3 times करना है और उसमें आपको 5 ऐड करना है। समझ में आया? यस यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ट्राई करोगे ये? यस मैम। यस मैम करो। प्रोडक्ट करना है किसका, वाई और जेड का, फिर उसमें से आपको इन दोनों का प्रोडक्ट, वाई और जेड का जो प्रोडक्ट है वो 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वाई और जेड दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है में से, 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा वाई और जेड का प्रोडक्ट। चलो ट्राई करो, बता आंसर है कि आंसर आ रहा है। मैम पहले कौन बताएगा? मानसी बताओ आप। 10 - yz y। ठीक है चलो करवाती हूँ मैं। सही है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब आपको क्या करना था, 10 में से yz दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना था 10 में से। ठीक है सही है। एंड b मतलब दो नंबर्स हैं a और b, दोनों का सम करना है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मतलब a और b का जो सम है उसके आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है उनके ही प्रोडक्ट में से। ठीक है, मतलब क्या करना था आपको, इसमें क्या करना है, a और b दो नंबर्स हैं, दोनों का सम करना और उसको सब्ट्रैक्ट करना है इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट में से। समझ में आया? यस मैम। A और B दो नंबर्स हैं, उनको उनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है उन्हीं के प्रोडक्ट में से, मतलब A B के प्रोडक्ट में से आपको A और B के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। Is there any doubt? No ma'am. Fine.